सर, कल जब माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, ये यूपीए के नाम क्यों बदलने का आवश्यकता हुई उसका बहुत विस्तार से बोले। मैं उसका एक जिक्र करना चाहती हूं सर। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता का याद आ रहा, वो करप्शन, वो भतीजावाद, बाय क्रोनिज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहाँ। मगर मैं ये बात सामने रखना चाह रही हूँ कि कितना इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में TMC कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। से ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर, एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, क्या बात करते हैं, क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूं, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना।